Hello everyone, today we are going to do the next part of our chapter, that is the fourth part of our chapter Living Organisms and Their Surroundings. Adaptations You have learned that different type, uh, types of plants and animals are found in different habitats. You have also learned that all living organisms found in a particular habitat interact with the abiotic components for their survival. Have you ever thought that why a polar bear lives in very cold region and not in desert or a camel lives in desert and not in cold region? This is because the abiotic components of the habitat are suitable for them to survive. Sometimes the abiotic components might not be suitable for organisms to survive. In such conditions, organisms either develop features in their bodies to cope up with the surroundings or they die. चेंज एक्वादेश हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स पे होते हैं अब ऐसा क्यों होता है कि पोलर बियर जो है वो कोल्ड रीजन में ही रह सकता है और कैमल जो है वो डेजर्ट में ही रह सकता है क्योंकि वहां का जो ए बायोटिक कम्पोनेट्स है वहां का क्लाइमेट वहाँ का टेम्परेचर वहाँ की सॉइल और दूसरे सारे एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स जो भी हैं वो उनके उनके लिए सूटेबल होते हैं उनके रहने के लिए सरवाइव करने के लिए वो सूटेबल होते हैं तो ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं कि वो हमारे लिए सूटेबल हो तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं अब अगर वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे लिए सूटेबल नहीं होते हैं तो एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं या दूसरे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते अब या तो वो एडेप्ट कर लेते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करके एडजस्ट करते हैं या फिर वो मर जाते हैं तो ये जो चेंजेस करते हैं ना अपनी बॉडी में जिससे वो एन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए कोपअप कर पाए इन चेंजेस को बोला जाता है एडप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो वेरियस एडेप्टन दैट हेल्प एम टू लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स Adaptations are special features that allow a plant or animal to live in a particular place or habitat. These adaptations make it very difficult for the organisms to survive in a different place. That is why certain plants or animals are found in a particular area and not in other places. For example, you would not find a cactus in the Arctic and no tall trees in grasslands. Let us study how living organisms adapt themselves in different habitats. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी हैबिटेट बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट हो जाते हैं तो वो डिफरेंट चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में जो उनको हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए अब ये अडेप्टशन जो होते हैं ना ये डिफिकल्ट होते हैं लेकिन यही इन्हीं की वजह से केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं तो इसीलिए हर तरह के प्लांट्स और हर तरह के एनिमल्स हर जगह पर नहीं पाए जाते जैसे कैक्टस जो है वो डेजर्ट में ही होता है वो आर्कटिक में नहीं होता ग्रासलैंड में केवल ग्रास होती है वहां पर टॉल ट्रीज नहीं होते हैं तो अब देखते हैं कि वो कौन से एडेप्टंस होते हैं, कौन से चेंजेस होते जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी के अंदर किए ताकि वो आ, सर्वाइव कर पाए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडप्टेशन फॉर एक्वेटिकबिटेट वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्टिविटीज विद इन द सेल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन वॉटर है कंडीशन प्रिवेलिंग इन वाटर सचेस वाटर प्रेशर मूवमेंट ऑफ वाटर ब्रीदिंग इन वाटर एट्सेट्रा अब एक्वेटिकबिटेट में किस तरह के एडप्टेशंस होते हैं तो जो वाटर है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत एसेंशियल है ये तो हम सब जानते हैं जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज होती है हमारे सेल्स में हमको पता है सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हमारे सेल्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो सब वाटर के प्रेजेंस में ही होती है तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में पाए जाते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्होंने क्या अडेप्टशन लाए क्या अपने अंदर चेंजेस लाए ताकि वो वाटर के अंदर रह पाए, वाटर का प्रेशर झेल पाए वाटर के मूवमेंट्स के साथ कोपअप कर पाए ब्रीथ कर पाए वाटर के अंदर तो प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आए हम वो देखते हैं एडप्टेशंस इन प्लांट्स द स्टेम्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर लॉन्ग नैरो एंड फ्लेक्सिबल टू मूव विथ वाटर करंट्स विदाउट गेटिंग डैमेज फॉर एग्जाम्पल लोटस जो स्टेम्स होती हैं एक्वेटिक प्लांट्स की वो लंबी होती हैं नैरो होती हैं जब लंबी और पतली होती है और वो फ्लेक्सिबल होती है ताकि वाटर करंट्स के साथ वो मूव कर पाए जैसे कि लोटस प्लांट की जो स्टेम होती है एक्वेटिक प्लांट्स हैव एयर स्पेसेस इन देयर स्टेम्स दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर और जो स्टेम्स होती हैं वो होलो होती है उसमें छेद होते हैं अंदर जिससे वो उनको हेल्प करती हैं कि वो पानी पे फ्लोट कर पाए अगर आपने कभी लोटस का फ्लावर देखा हो तो उसकी स्टेम जो होती है उसको कभी आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको छेद दिखते हैं ताकि वो हेल्प कर पाए वाटर के ऊपर फ्लोट करने के लिए सबमर्स प्लांट्स लाइक स्ट्रॉन्ग वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू थ्रू स्टेम्स इंस्टेड ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड डिजॉल्व गैसेस आर एब्सॉर्व थ्रू द लीव्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर जितने भी सबमर्ज प्लांट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता हमने देखा है कि जो प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो रूट से लीव्स तक जाता है सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सप्लाई करता है लेकिन जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं उसका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि वो जितना भी डिजॉल्व गैसेज हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्ट उसकी लीवस जो है वो पानी से एब्जॉर्ब कर लेती है द रूट्स एंड रूट हेयर आर वेरी मच रिड्यूज इन एक्वेटिक प्लांट्स देयर प्राइम फंक्शन इज टू हेल्प इन एनकरेज और जो रूट्स होती हैं वो उसके हेयर और रूट्स जो हैं वो कम हो जाती है क्योंकि अब उसको ट्रांसपोर्ट तो करना नहीं है मटेरियल तो उनका जो मेन फंक्शन जो रह जाता है वो प्लांट को होल्ड करके रखना होता है फ्री फ्लोटिंग प्लांट सच एस लोटस एंड वाटर लिली हैव लार्ज एंड फ्लैट लीव्स द अपर सरफेस ऑफ द लीवस हैिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग जोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जैसे लोटस है वाटर लिली है उनकी जो लीव्स होती हैं ऐसे बड़ी बड़ी होती हैं और पानी के ऊपर रहती है और उसका जो अपर सरफेस होता है उस पर वैक्सी कोटिंग होती है ताकि उसके ऊपर पानी टिक नहीं पाए वैक्स के ऊपर पानी नहीं टिकता तो वो पानी टिक नहीं पाए ताकि वो सड़े नहीं क्योंकि कोई भी चीज़ पानी में सड़ जाएगी और जो स्टोमेटा होता है जनरली लीव्स के अंदर नीचे की साइड पर होता है लेकिन जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं हो, उन उनका जो स्टेमोटा स्टोमेटा होता है वो लीव्स के अपर सरफेस पे होता है ऊपर की साइड होता है लीव्स ऑफ सबमर्स प्लांट्स सच स्टेप ग्रास आर लॉन्ग एंड नेरो दिस हेल्प प्लांट्स टू विस्ट एन स्ट्रांग वाटर करंट विदाउट बींग डैमेज जो सबमर्स प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो ऐसे लंबी लंबी और पतली पतली होती है ताकि जो वाटर करंट्स होते हैं उससे उसको डैमेज नहीं हो इन फ्लोटिंग प्लांट्स क्लोरोफिल इज रिस्ट्रिक्टेड टू अपर सरफेस ऑफ लीव इज एक्सपोज टू सनलाइट और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उन पे जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के सिर्फ अपर सरफेस में रहता है क्योंकि वही जो है वो सन की तरफ रहने वाली है सनलाइट सिर्फ उन्हीं पे पड़ेगी सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स दैट कैन फ्लोट और कुछ प्लांट्स जो हैं वो ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो फ्लोट कर सकते हैं तो ये हमने देखा कि प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं अब हम देखते हैं कि एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एडप्टेशन इन एनिमल्स एनिमल्स सच एज फिश वेल, सील डॉल्फिन डेवलप अ नंबर ऑफ एडॉप्टेशंस ड्यू टू देर एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ दीज एडॉप्टेशंस आर एस फॉलोज जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं फिश है वे सील डॉल्फिन या जो दूसरे एनिमल्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस किए उन्होंने अपनी बॉडी में उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए कि वो वाटर में अडोप्ट कर पाए एनिमल्स आर स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप विच रिड्यूस द रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय रनिंग वाटर दस हेल्प इन एनी दस हेल्प इन एन ईजी मूवमेंट इन द वॉटर सम एक्वाटिक एनिमल्स सच एज ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स प्रिफर टू स्टे डीप इन द वॉटर एज दे डू नॉट हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप बट दे कैन मेक देयर बॉडी स्ट्रीम लाइन वैंड दे मूव इन वाटर तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन होती है आपने हमेशा देखा होगा कि फिशेज जो होती हैं वो आगे से नेरो होती है ताकि वो वाटर में सर्वाइव कर पाए वाटर में इजीली मूव कर पाए और कुछ एक्वाटिक एनिमल्स जैसे ऑक्टोपस होता है स्क्विड होता है उनके टेंटिकल्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती तो वो जनरली डीप होते हैं वाटर में अंदर गहराई पर होते हैं ऊपर की तरफ नहीं होते कभी भी शेलो वाटर में नहीं होते लेकिन उनकी भी जो टेंटिकल्स हैं वो अपनी टेंटिकल्स को मूव करके अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं जब भी उनको अपनी बॉडी को मूव करना होता है वाटर के अंदर द स्केल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ वर्शर स्लिपरी एंड वाटर प्रूफ विच प्रोटेक्ट देम एंड ऑल्सो हेल्प दैम टू मूव ईजिली इन वाटर और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं वाटर से वो उनकी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं कि वो ईजिली मूव कर पाए पानी के अंदर फिश द अपर पार्ट ऑफ ब्लो होल्स विच अलाउ इज़ीली वेन दे आर नियर द सर्फेस ऑफ वॉटर अब जो फिशेस होती हैं उनके पास गिल्स होते हैं ताकि वो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको, उससे वो सांस ले पाए और कुछ सी एनिमल्स होते हैं जैसे डॉल्फिन है वेल है उनकी गिल्स नहीं होते हैं उनका जो अपर बॉडी पार्ट होता है उसके ऊपर एक ब्लो होल होता है तो जब भी वो वाटर सरफेस पे आती हैं तब वो ब्रीथ करती है फिश है स्विमिंग द टेल फिन एंड फिन हेल्प एम टू चेंज द डायरेक्शन एंड टू कीप द बॉडी बैलेंसड इन वॉटर द वे फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग और जो फिश होती है उनके पास फिन होते हैं उससे वो स्विम कर पाती है जो टेल फिन होता है और जो फ्लैट फिन होता है वो उनको हेल्प करता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए और अपनी बॉडी को वाटर के अंदर बैलेंस करने के लिए और जो वेल्स होती है उनके पास फ्लिपर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग के लिए एक्वाटिक no. एनिमल्स है एयर ब्लैडर टू हेल्प देम फ्लोट इन वाटर और उनके अंदर एक एयर ब्लैडर होता है जिसकी वजह से वो वाटर पे इजीली फ्लोट कर सकते हैं